व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स यश हियर। स्वागत है आपका टेक घोष के एक और नए वीडियो में। हम अपने चैनल पे कुछ कूल गैजेट्स की बात करते हैं और नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। बेसिकली जो आज का वीडियो है, आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के लिए। तो मेरे फ्रेंड्स, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं और आपको ट्रेडिंग में प्रॉब्लम होती है, आप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस से बचना चाहते हैं और डायरेक्ट ट्रेड करना चाहते हैं अपनी क्रिप्टो करेंसी में, तो बेसिकली ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। तो लेट्स राइट जंप इनटू इट। तो फ्रेंड्स, कुछ दिनों से मैं एक वेबसाइट पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ अपनी क्रिप्टो करेंसी के लिए, जहाँ पे आप बिना किसी एक्सचेंजेस को इंक्लूड करके आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो लाइक जैसे हम लोग बिटरेक्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो उनकी कोई ज़रूरत नहीं है अब। तो यहाँ पे हम अपनी क्रिप्टो करेंसी को सीधे डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। तो जो वेबसाइट का नेम है वो है आईक्यू ऑप्शन। तो इसको मैं इस वेबसाइट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू। बेसिकली अभी हम फटाफट इसमें देखते हैं। तो इस वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए आपको या तो फेसबुक के क्रेडेंशियल देने पड़ते हैं या फिर गूगल के क्रेडेंशियल देने पड़ते हैं। और यहाँ पे आप अपनी जीमेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं, अपना फ्री अकाउंट बना सकते हैं। तो बेसिकली मेरा जो इसमें अकाउंट है वो गूगल से लिंक है, तो मैं इसको फटाफट अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ फटाफट। तो ये हो गया मेरा अकाउंट लॉग इन। और जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरा अकाउंट हो चुका है लॉगिन। तो यहाँ पे मैं ट्रेड नाउ पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड कर सकता हूँ। तो फिलहाल अभी अपना यूआई डाउनलोड कर रहा है, फिर इसे ये इनिशियलाइज़ करेगा। तो मिलते हैं इसके इनिशियलाइज़ होने के बाद। तो बेसिकली ये ग्राफ हो गया है लोड। ये जो अभी आप ग्राफ देख रहे हैं, ये है बिटकॉइन के प्राइस का लाइव ग्राफ। तो यहाँ पे जो बिटकॉइन के प्राइस हैं उनको लाइव दिखाता है कि अभी सेम टाइम पे क्या प्राइस चल रहे हैं रियल टाइम में। तो बेसिकली यहाँ पे जो नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे 30 डेज़ का वेरिएशन दिखा देगा आपको प्राइसेस में, 7 डेज़ का दिखा देगा, 1 डेज़ का दिखा देगा, और ऐसी 12 आवर्स, 3 आवर्स, 1 आवर और 30 मिनट्स। तो अभी मैं फिलहाल इसे 30 मिनट्स पे सेट कर देता हूँ। तो ये बताता रहेगा कि रियल टाइम में अभी हमारे बिटकॉइन के प्राइस क्या चल रहे हैं। जैसे कि अभी ये दिखा रहा है 11,562 प्राइस चल रहे हैं, और अभी एकदम से ये 64 हो गया और ये डाउन 61 आ गया, फिर 63। तो बेसिकली ऐसे हम लोगों को लाइव रेट मिलते रहते हैं बिटकॉइन के यहाँ पे। तो अब बात करते हैं कि यहाँ से हम अपनी क्रिप्टो करेंसी को परचेज़ कैसे करते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी को परचेज़ करने के लिए पहली बात तो हमें यहाँ पे अपनी मनी को डिपॉजिट करना होगा। और मनी को डिपॉजिट करने के लिए हम दो अकाउंट्स का यूज़ करते हैं, या तो हम नेटलर का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम स्क्रिल का यूज़ कर सकते हैं। तो यही दोनों अकाउंट है जिसके थ्रू हम अपने क्रेडिट कार्ड से मनी को इसमें लोड कर सकते हैं और उसको हम अपने आईक्यू ऑप्शन के वेबसाइट पे अपनी मनी को लोड कर सकते हैं। तो अब ये मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे होने वाला है। बेसिकली हम लोगों को जाना पड़ता है पहले डिपॉजिट टैब पे। तो यहाँ पे आएगा मेक अ डिपॉजिट। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, या तो आपको स्क्रिल या फिर नेटलर का यूज़ करना पड़ता है। तो अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि स्क्रिल क्या है और नेटलर क्या है। तो बेसिकली जो स्क्रिल है, स्क्रिल हमारा एक तरीके से ऑनलाइन बैंकिंग है, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग है। तो यहाँ पे आप अपने क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से अपनी मनी को लोड कर सकते हैं और उसका हम आगे अपने यूज़ कर सकते हैं अपनी क्रिप्टो करेंसी को परचेज़ करने के लिए। और सेम ही यूज़ हमारे नेटलर का है। तो बेसिकली जो प्रोसेस स्क्रिल का है, वही सेम प्रोसेस नेटलर का है। तो फटाफट मैं अपने स्क्रिल के अकाउंट में लॉगिन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों, ये हो गया हूँ मैं अपने स्क्रिल के अकाउंट में लॉगिन। तो यहाँ पे आपको मनी ऐड करने के लिए जाना पड़ता है डिपॉजिट टैब में, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड अ न्यू कार्ड। फिलहाल मेरा भी नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे आ गया है न्यू ऐड न्यू कार्ड का ऑप्शन। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमको अपने क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के क्रेडेंशियल्स डालने पड़ते हैं और फिर इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आपका क्रेडिट कार्ड कुछ यहाँ पे ऐसे दिख जाएगा, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड जो भी आपने लोड करा है, और उससे आप अपनी मनी को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू का बटन दबा के आप जितनी भी मनी ऐड करना चाहते हैं उतनी मनी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली स्टार्टिंग में जो आपको मनी ऐड करने की लिमिट होती है वो है 22,978 रुपीज़, और आप यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करा के इस लिमिट को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आइडेंटिटी को वेरीफाई यहाँ पे आप कैसे करेंगे, आप अपनी किसी भी इंडियन, यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट के थ्रू अपनी आईडी को वेरीफाई करा सकते हैं। और सेम ही हमें नेटलर पे करना पड़ता है। नेटलर पे भी आप अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करके अपनी आईडी को वेरीफाई करा सकते हैं। तो बेसिकली जब यहाँ पे हम अपनी मनी को ऐड कर देते हैं, उसके बाद यहाँ से हमारा प्रोसेस हो जाता है एंड। तो अब हम इसको, इन दोनों टैब्स को क्लोज कर देते हैं। आपने अपनी मनी ऐड कर दी,
तो अब बात करते हैं कि आप अपने मनी को यहाँ पे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारी मनी स्क्रिल या फिर नेटलर पे ऐड होती है वो हम किसी भी करेंसी में ऐड कर सकते हैं। लाइक हम USD में भी ऐड कर सकते हैं, यूरो में भी ऐड कर सकते हैं और INR में भी ऐड कर सकते हैं। तो जो हमारा हम यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं मनी को आई की ऑप्शन पे, वो हमारी केवल यूरो में ऐड होती है। तो इसको यूरो में ऐड करने के लिए पहली बात तो हम लोगों को यहाँ पे डिपॉजिट टैब पे आना पड़ता है और फिर यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है अपना पेमेंट मेथड। तो पेमेंट मेथड में सेलेक्ट कर रहा हूँ स्क्रिल, क्योंकि मेरा स्क्रिल पे अकाउंट है। और यहाँ पे मैं, चलिए करते हैं हम लोग 10 यूरोज़ का पेमेंट करके देखते हैं। तो प्रोसीड टू पेमेंट पे मैंने क्लिक करा। तो जैसे हम अपने नेट बैंकिंग से चीज़ें परचेज करते हैं तो सेम ही प्रोसेस यहाँ पे भी होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स डालता हूँ तो ये मेरा कनेक्ट हो जाता है स्क्रिल के अकाउंट से। तो मेरी जहाँ वहाँ पर जितनी भी मनी होती है उसके अकॉर्डिंग पैसे डिडक्ट करके, लाइक मेरे को 10 यूरो चाहिए, तो अभी इस टाइम 1 यूरो का जो भी प्राइस है वो 10 यूरो के प्राइस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जितनी भी मेरी मनी वहाँ पे है उतनी मनी में से उतना प्राइस डिडक्ट होकर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। लाइक अभी मैं 10 यूरो सबमिट करना चाहता हूँ, तो 10 यूरोज़ की मनी अप्रॉक्स 780 INR हुई। तो 780 INR अगर मैंने वहाँ पे लोड करे हुए तो 780 INR यहाँ पे आ जाएंगे। सिंपल सा वर्क ये है, यहाँ पे मेरे को अपनी मेल आईडी डालनी पड़ती है। तो यहाँ पे लॉगिन करके, जैसे ही आपका यहाँ पे लॉगिन होता है यहाँ पे दिखा देता है कि आपका पेमेंट ऐड हो गया। तो अभी मेरे अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है इसलिए मैं अभी मनी को ऐड नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पे लिखा रहा है योर अवेलेबल बैलेंस इज इनसफिशिएंट, प्लीज़ अपलोड फंड यूजिंग द अपलोड सेक्शन ऑफ योर अकाउंट। तो बेसिकली यही सेम प्रोसेस है और यहाँ से होते ही आपकी मनी यहाँ पे ऐड हो जाती है। कि मनी डिपॉजिट करने के बाद अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को आप खरीद कैसे सकते हैं और बेच कैसे सकते हैं। तो बेसिकली खरीदने के लिए हम लोगों को यहाँ पे बाय पे क्लिक करना पड़ता है। तो जो भी अभी एक्चुअल रेट है उस रेट पर हमारी क्रिप्टो करेंसी बाय हो जाती है। और जो आपने असेट्स खरीदे हैं उसको सेल आउट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे एक पटिशन ऑन होती है, तो उसे हम लोगों को क्लोज करना पड़ता है। वो अभी मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा नेट अभी इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट टाइम मैं उसके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा कि आप अपनी पटिशन को कैसे क्लोज कर सकते हैं और अपनी करेंसी को कैसे सेल आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे हम उस पटिशन को क्लोज करते हैं तो हमारे जो भी हमारा प्रॉफिट होता है वो हमारे अकाउंट में वापस आ जाता है। तो इस साइड का एक ड्रॉबैक है, अगर यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी को परचेस करते हैं तो वो यहाँ की यहीं पे ही रहेंगी। यहाँ से आप उसे किसी भी अपने वॉलेट या फिर एड्रेसेस पे नहीं ले जा सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी परचेस करते हैं आप उन्हें यहाँ पे ही सेल आउट कर सकते हैं और यहाँ पे ही परचेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे पैसे आ गए हैं, जो हमारा प्रॉफिट आया है, हम उसको वापस कैसे लें। तो वापस लेने के लिए हम लोगों को जाना पड़ता है आई के ऑप्शन वाले टैब पे और यहाँ पे लिखा जाता है विड्रॉल का ऑप्शन। तो जैसे यहाँ पे साइड में आप देख रहे हैं वॉलेट विड्रॉल फंड, तो हम लोगों को जाना पड़ता है विड्रॉल फंड पे। अब बेसिकली विड्रॉल फंड वर्क कैसे करता है, तो विड्रॉल फंड वर्क करने के लिए पहले ये खुल जाए। जैसे कि मैंने कहा मेरा नेट अभी बहुत स्लो चल रहा है, तो फिलहाल मैं अभी अपने विड्रॉल जो मेरा मनी है, तो फिलहाल जो मेरी मनी है वो मैं अपनी स्क्रिल अकाउंट में ही वापस ले रहा हूँ क्योंकि वही सबसे इजी तरीका है। तो यहाँ पे मैं अपने जो भी मेरे अकाउंट में पैसे थे, मेरे पास इस टाइम 14 यूरोज़ हैं, तो मैं 14 यूरोज़ को अपने स्क्रिल के अकाउंट में वापस ले रहा हूँ। तो स्क्रिल के अकाउंट में वापस कैसे जाते हैं, तो जो आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं, जो आपकी लॉगिन मेल आईडी होती है स्क्रिल की जिससे आप लॉगिन करते हो, तो वो यहाँ पर आपको मेल आईडी डालनी पड़ती है फ़ंड को विड्रॉल करने के लिए। तो जैसे कि मेरी आईडी जो है मैं अपनी डाल देता हूँ विड्रॉल करने के लिए। तो जब मैं इसे विड्रॉल फंड करूँगा क्लिक, तो यहाँ पे क्या होगा, एक रिक्वेस्ट होगी। तो योर विड्रॉल रिक्वेस्ट हैज़ बीन, तो यहाँ पे लिखा गया योर विड्रॉल, तो यहाँ पे लिखा गया योर विड्रॉल रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड। तो बेसिकली ये जो विड्रॉलिंग का टाइम होता है 1 से 3 डेज़ लेता है इसको विड्रॉल होने के लिए, जो कि इसका ड्रॉबैक है क्योंकि टाइम इज़ मनी फॉर क्रिप्टो करेंसी। और ये विड्रॉल होकर आपके स्क्रिल अकाउंट में चला जाता है और वहाँ से वापस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है अब मैं दिखाता हूँ। फिर से मुझे स्क्रिल में लॉग इन करना पड़ेगा कि आप अपने स्क्रिल अकाउंट से मनी को कैसे वापस ले सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो उसके लिए हम लोगों को फिर से लॉग इन करना पड़ेगा अपने स्क्रिल अकाउंट में। तो जैसे ही लॉग इन हो जाता है मैं आपसे मिलता हूँ। तो अगेन वी आर बैक टू आर स्क्रिल अकाउंट। तो यहाँ से मनी को विड्रॉल करने के लिए हम लोगों को जाना पड़ता है विड्रॉल में और यहाँ पे ऐड करना पड़ता है आपको अपना बैंक अकाउंट। आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि आपको अपना अकाउंट नंबर चाहिए होगा, स्विफ्ट कोड चाहिए होगा और IFSC कोड चाहिए होगा। तो स्विफ्ट कोड आपको तब मिल सकते हैं, आपको अपने बैंक में कंसल्ट करना पड़ेगा कि उनका स्विफ्ट कोड क्या है। तो आप यहाँ पर अपना स्विफ्ट कोड डाल के या फिर नेट पर सर्च कर सकते हैं कि आपके बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है
और अपना अकाउंट नंबर डालिए, स्विफ्ट कोड डालिए, आईएफएससी कोड डालिए, इसको एक्सेप्ट करिए और यहाँ पे आपका अकाउंट ऐड हो जाएगा, जैसे कि मेरा अकाउंट ऐड हो रखा है। तो यहाँ से आपको मनी ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ फिक्स अमाउंट पे करना पड़ता है, क्योंकि ये वायर ट्रांसफ़र के थ्रू यहाँ से मनी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर आपको IQ ऑप्शन के बारे में, स्क्रिल के बारे में या फिर नेटलर के बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर रोज़ ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ, अमेजिंग वीडियोस नए टेक्नोलॉजी के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में और कूल गैजेट्स के बारे में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।